Janin. Happy Janmashtami to all of you from me and my family. और मैंने इस जन्माष्टमी के मौके पे पिकॉक आइल क्रिएट किया है जिस टू मच सिमिलर्स आई बिकम अ राधा रानी, क्योंकि मैं ना बहुत बड़ी कृष्ण भक्त हूँ. कृष्ण जी को माना है हमेशा से, मतलब बचपन से ही मैंने उन्हें माना है. ये मौका मैं नहीं छोड़ना चाहती थी, तो आई क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल लुक. सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जाके ज़रूर जाके चेकआउट कर लीजिए मेरा ये ब्यूटीफुल लुक. एंड आप भी इस जन्माष्टमी को बना सकते हैं सब प्यारा सा आई लुक. सो वॉच दिस वीडियो फुल एंड ज़्यादा बकवास नहीं करते हो, लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो लवलीज, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे मैं फेस वॉश करके स्किन केयर कर लिया है. देन मैं अप्लाई कर रही दिस प्लम डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो हाइड्रेशन देता है विथ विटामिन ई. एंड दिस मॉइस्चराइजिंग क्रीम इज़ लाइक वेरी लाइट एंड स्मूथिंग. सो आई अप्लाइड दिस मॉइस्चराइजिंग क्रीम विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स. मैंने अच्छे से इसको अपने लगा लिया है पूरे फेस में एंड नेक पर भी, क्योंकि मैं वहाँ पर भी फाउंडेशन अप्लाई करूँगी. तो फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया दिस लिप बाम फ्रॉम VLCC स्ट्रॉबेरी लिप्स मॉइस्चराइज. दिस मॉइस्चराइज माई लिप्स सो वेल, सो आई अप्लाइड इट. ये भी स्किन केयर में आता है बट आई अप्लाई ईयर, क्योंकि मेकअप करने से पहले मतलब लिपस्टिक लगाने से पहले आपको अप्लाई करना ही चाहिए लिप बाम. देन आई एम यूजिंग दिस पर्पल 24 गोल्ड प्राइमर जो आपके पोर्स को एकदम से हाइड कर देता है, मिनिमाइज कर देता है एंड आपके स्किन को बहुत अच्छे से ब्राइटन अप कर देता है. और यहाँ पर ना कोई भी ऐसे चंकी पार्टिकल्स नहीं है इसके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका ये प्राइमर. तो ना मेकअप करते वक्त ना कभी भी स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, और मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो मैं टिश्यू से स्वेट को सारे रिमूव करती रहती हूँ हमेशा. देन मैं आई लुक की तरफ चलते हैं. तो आई लुक में जल्दी से मैंने बेस लगा लिया कंसीलर. दिस कंसीलर इज़ फ्रॉम मेबेलिन फिट में. एंड देन मैंने एंगुलर ब्रश से अपने आईब्रोज को सेट कर रही हूँ. जस्ट आप फील कर सकते हैं मैं आईब्रोज को, आपके थिन आईब्रोज हैं, मेरे थिक है, तो आई डोंट नीड टू लाइक फिल. देन आई ब्लेंड इट आउट वेरी वेल विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस स्मॉल ब्रश. और मैंने नीचे भी अंडर आइज में लगा लिया है ताकि कोई वेस्ट ना हो मेरे कंसीलर का. और आप ऐसा कर सकते हो, इतने अच्छे से मेरे आईब्रोज दिख रहे हैं ना, दोनों तरफ मैंने बना लिए. एंड देन मैंने कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपने आई बेस को बेक कर दिया है. अच्छे से बेक हो जाता है एंड कोई भी स्वेटिंग नहीं होती है अपने अपने आई लुक में. एंड दोनों साइड में अच्छे से आपको बेक कर लेना है. देन आई एम यूजिंग दिस मामा अर्थ कोल कार शेल. दिस इज मशरूम शेल. तो मैंने यहाँ पे ना स्मोकी काइंड ऑफ आई लुक क्रिएट कर रही हूँ. दिस इज एक्चुअली अ पीकॉक इंस्पायर्ड लुक. जस्ट टेकिंग अ काजल एंड स्मच इट आउट वेरी वेल. अच्छे से इसको स्मच कर लेना है. अरे अच्छे से स्मच होने के बाद आप एक ब्लैक कलर का आई शेडो लेना एंड देन उसको लगा के ब्लेंड कर लेना. एकदम अच्छे से फिनिशिंग लुक देनी है इसमें, तो अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना. मैं ऐसे इनर कॉर्नर में लगाना है और बीच के पार्ट में छोड़ना है हमें, तो बीच के पार्ट आप छोड़ देना, क्योंकि वहाँ पे ना मैं ब्लू कलर का एक आई शेडो लगा रही हूँ. इसलिए उसमें आता है ना कि लुक में ब्लू कलर का भी है, तो मैंने वो लगा. देन उसके बाद मेन पार्ट इज दिस कलर इज सो ब्यूटीफुल. ये ग्रीन है एक्चुअली, बट बहुत अच्छे से कलर आता है इसमें ऐसे मिक्सअप करने से. तो इसका पिगमेंटेशन देखो कितना प्यारा है और कलर कितना सुंदर सा है, एकदम लग रहा है ना पिकॉक वाला लुक. देन मैंने नीचे भी ना बोल्ड कर दिया है काजल. वैसे काजल लगाना पसंद नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे बहुत वाटरी आइस है, तो हमेशा पानी पानी निकलते ही रहता है और स्मच हो जाता है बहुत जल्दी.
यहाँ पर मैंने ना ब्लैक का आई शेडो लिया है एंड जस्ट मैंने लगा लिया है। मैंने काजल लगाया था बोल्ड करके ताकि मेरा पर्स मच ना हो और लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, आपका भी अगर वाटरी आइज है तो कितना प्यारा लग रहा है मेरा आई। लो कमेंट डाउन बिलो एंड ना जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं मेरे आइज में आइज के नीचे एंड चिक्स में आ गए तो मैं ना वैसलिन की हेल्प से एंड टूथपिक की हेल्प से मैं उसको रिमूव कर दे रही हूँ। आप भी उसको रिमूव कर देना। देन आई यूज़ द हाइलाइटर, देन आई एम यूजिंग दिस हाइलाइटर टू पॉप अप माई आई लुक वेरी वेल। इससे बहुत अच्छे से पॉप अप हो जाता है बाय द वे। देन उसके बाद आई एम यूजिंग दिस मास्कारा फ्रॉम क्लोसल न्यूयॉर्क मेबेलिन। अच्छे से इसको भी मैंने अप्लाई कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे आप फेक लैशेस लगा सकते हो बट आई डिडंट अप्लाई। फेक लैशेस भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। उसके बाद ना मैंने क्या किया ना, मैं फिर से मेरी स्वेटिंग आ रही थी तो मैंने जल्दी से अपने स्वेट को रिमूव कर दिया एज द हेल्प ऑफ लाइक टिश्यू से। देन मैंने ये यूज़ किया है अली 18 का लिपस्टिक, बहुत पुराना हो चुका है ये। मैंने इसको अंडर आई में लगाने के लिए करती हूँ। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड यार, बहुत ज़्यादा है आई नो बट क्या कर सकती हूँ मैं। देन मैंने यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ किया है मेबेलिन न्यूयॉर्क और मैंने यहाँ पे ना डॉट डॉट करके लगाया है अपने मेक में और पूरे फेस में भी। एंड देन अच्छे से आपको ना इसको ब्लेंड कर लेना है। सो मैंने किया ना क्या कि मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में पहले से ही रखा था और इसका साइज एक्सपेंड हो गया एंड देन मैंने इसके सारे एक्सेस वाटर को रिमूव करके और मैंने टिश्यू में भी इसको लपेट के अच्छे से जितने भी पानी बचे थे उसका सब निकाल दिया मैंने एंड देन मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड किया। और सच में ये ट्रिक करने से ना आपका बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता फाउंडेशन, क्योंकि ब्लेंड करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये ब्लेंड करते 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 हालत खराब हो जाता है तो इसके वजह से ना आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो और ऐसे ही यूज़ करना चाहिए ब्यूटी ब्लेंडर ताकि अच्छे से आपका बेस ब्लेंड हो जाए और अच्छे से आपका बेस बने। आप देख सकते हो इतना अच्छे से मेरा ब्लेंड हो रहा है। एंड देन मैंने अप्लाई किया यहाँ पे कंसीलर, दिस कंसीलर इज़ फ्रॉम मेबेलिन फिट मी। एंड मैंने अच्छे से मैंने अंडर आई को लगाया एंड देन मैंने चिक में एंड दिस डबल चिन में भी रिड्यूस माई एक्सेस फैट ऑन माई फेस। या इसको भी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है हर जगह पे और अच्छे से मेरा फेस कट आ चुका है। अब ये देख ही सकते हो देन आई एम कंट्रोलिंग माई फेस विद दिस ऑल इन वन पैलेट फ्रॉम स्विस बीट। मैंने नोज को कंट्रोल किया है देन चिक्स बोन को देन डबल चिन को अच्छे से मैंने ब्लेंड आउट कर लिया है। जितना ब्लेंड करोगे ना अच्छे से उतना ही अच्छे से आपका मेकअप निकल के बाहर आएगा, तो ब्लेंड करना ना भूलें। अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए आपका कंटूर से ना अच्छे से आपका शेप आ जाएगा फेस का। तो मैंने अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड करके फेस का शेप भी ला दिया है। देन आई एम यूजिंग अ ब्लश, ये बहुत लाइटर शेड है, लाइटर पिंक शेड है और कितना अच्छे से इसका शेड आ चुका है। मैंने जस्ट लिफ्टिंग मेथड अप्लाई किया है तो मैंने लिफ्टिंग के लिए एकदम आईज के कॉर्नर के साइड से मैंने ब्लेंड किया है और अभी वैसे ही अप्लाई कर सकते हो। ना थोड़ा एक्सेस हो गया तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको डैब डैब करके रिमूव कर लिया है एंड देन मैंने बेक कर लिया है लूज पाउडर की हेल्प से एंड जस्ट आई एम यूजिंग दिस हाइलाइटर टू गिव अ फिनिशिंग ग्लोई लुक दोनों साइड में और थोड़ी नोज पे भी टू शाइन करने के लिए। एंड आती है लिप्स की बारी तो चलो जल्दी से करते हैं। ये ना छोटा सा लिप लाइनर मुझे एक सेट में मिला था, मुझे लोकल मार्केट से मैंने परचेस किया था जस्ट। एंड मैं लिप को एकदम लाइनिंग दे रही हूँ बॉर्डर्स में पूरे अच्छे से। देन मैं मैट लिप्स पर अप्लाई करूँगी लिक्विड वाली और अच्छे से आपका लिप प्लमी करेगा। आई एम यूजिंग दिस शुगर मिनी लिपस्टिक
ये शेड ना बहुत ज़्यादा प्यार लगता है मुझे, और ये शेड बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था मुझसे क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया था। चलो शेडिंग कहते हैं फुल। यूहू देखा, बहुत ही इजी वे में एंड ज़्यादा कुछ हेवी वगैरह नहीं किया मैंने, पीकॉक इंस्पायर्ड लुक और दी जन्माष्टमी स्पेशल। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप, डेट अप्रिशिएट मी अ लॉट, बहुत ज़्यादा ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी स्टे सेफ एंड वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। बाय।